अब देखना सब ठीक है। आ गया अब ठीक है। चलो तो सौम्यजीत पुरोहित, जो भी क्लासेस मिस हुआ है थोड़ा पहले ऐप से कर लेना, ठीक है? पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर लेना, उसका ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, कितना 4-5 क्लास हुआ होगा, पहले वो कर लेना, ठीक है? लॉ का, ठीक है? लिखना तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोल रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है दोनों सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। तो इसमें सारे टाइप का गुड्स आ जाएगा, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स या फिर कंटिंजेंट गुड्स। सेल किसका हो सकता है? सेल सिर्फ हो सकता है एग्जिस्टिंग गुड्स का, और एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है एग्जिस्टिंग का भी साथ में, फ्यूचर का भी और कंटिंजेंट का भी, ठीक है? लिखना, इसके अंदर लिखेंगे द गुड्स The goods which form the subject matter, the goods which form the subject matter of a contract of sale may be either एग्जिस्टिंग गुड्स, मे बी इधर एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर, मे बी इधर एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। थोड़ा सा आज वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ऑनलाइन वाले देखना तो थोड़ा वीडियो लैग हो रहा है क्या? कंटिन्यू भी है। थोड़ा लैग हो रहा है ना, ठीक है, ठीक हो जाएगा शायद, 2 मिनट, 2-5 मिनट में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देयर मे बी एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देर मे बी एन अकाउंट होगा, देर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स, वेयर एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन, विच मे और मे नॉट हैपन, डेट इज क्या बोलते हैं इसको? कंटिजेंट गुड्स, ठीक है? सबके बारे में हो सकता है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स या फिर कंटिजेंट गुड्स। कंटिजेंट तो लिखा दिया कि कंटिजेंट का मतलब था जहां पे गुड्स होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, ठीक है? नेक्स्ट फुल स्टॉप। इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स देयर इज एन
एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पर होता है एग्रीमेंट टू सेल, वहां सेल नहीं हो सकता क्योंकि हम उस समय सामान है ही नहीं, तो उस समय सामान है ही नहीं तो उसको बेच तो नहीं सकते, तो वहां पे सिर्फ बेचने का एग्रीमेंट कर सकते हैं, देन देयर विल बी एन एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा सब हेडिंग करना है इसके अंदर, पेरिशेबल गुड्स। क्या होता है पेरिशेबल गुड्स? जो जल्दी से खराब हो जाता है, जिसका लाइफ बहुत कम है, ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, ये सबका लाइफ बहुत कम है, 2-3-4 दिन में ये चीज खराब हो जाएगा, तो वैसे सामान को हम बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। अब पेरिशेबल गुड्स के अंदर लॉ है कि अगर गुड्स खराब हो गया तो वो किसका जिम्मेदारी होगा, किसका रिस्क होगा अगर गुड्स खराब हो जाता है तो, ठीक है, तो अलग अलग है, इन केस ऑफ सेल अलग है और इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल अलग, ठीक है। चलो लिख लेते हैं पहले, समझेंगे। When there is a contract of sale, पहले लिख लेते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है। When there is a contract of sale, of specific goods. The contract is void. The contract is void if the goods without the knowledge of the seller. Without the knowledge of the seller, perishes. Or damaged. Perishes or damaged. ठीक है, तो वो पहले पॉइंट बोल रहा है कि इसको पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, पॉइंट वाइज कर दो, तो पॉइंट नंबर वन कर दो। तो पेरिशेबल गुड्स में सबसे पहले पॉइंट बोल रहा है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, चाहे वो सेल हो या वो चाहे एग्रीमेंट टू सेल हो, कोई भी स्पेसिफिक गुड्स का, मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स का, और विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, सेलर को जानकारी नहीं है कि सामान खराब हो चुका है और सेलर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसको बेचने का, या बेच दिया, सेल कर दिया, या एग्रीमेंट टू सेल कुछ भी हुआ है और सामान खराब हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन सेलर को ये जानकारी नहीं था, लेकिन सेलर अनजाने में उसको बेच दिया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, सेलर सामान नहीं देगा और बायर पैसे नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, Where there is an agreement to sell, अभी बिका नहीं है, फ्यूचर में बेचेगा, खाली एग्रीमेंट हुआ। When there is an agreement to sell and subsequently the goods without any fault of
सेलर और बायर, पेरिश। और डैमेज्ड, पेरिश और डैमेज्ड। The agreement is void. वो एग्रीमेंट भी void होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट नंबर टू अलग से ऐसे लिखने का जरूरत नहीं था। पॉइंट नंबर वन में सिर्फ इसके बारे में लिखा था स्पेसिफिक गुड्स का, इसलिए पॉइंट नंबर टू अलग से लिख दिया कि फ्यूचर गुड्स को भी ले लो साथ में, कवर कर लो, ठीक है। तो दोनों में सेम ही है, चाहे वो स्पेसिफिक गुड्स हो मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स हो, या चाहे वो फ्यूचर गुड्स हो, चाहे सेल हो या चाहे एग्रीमेंट टू सेल हो, अगर गुड्स खराब होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर एक छोटा सा चीज खाली है कि गुड्स इतना डैमेज होना चाहिए कि जहां पर अब उसको यूज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर बहुत माइनर सा कोई चेंज है जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है। जैसे हम लोग 1,000 पीस खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, एक पीस अगर खराब हो जाता है और बाकी ठीक है, देन द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी अवॉइडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डैमेज या पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। तो इतना खराब होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक जो नेचर है, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, वो डिफीट हो जाए, वो वॉलेट हो जाए, तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। एनी माइनर डिस्ट्रक्शन, एनी माइनर चेंज, तब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हेडिंग करना नया, एंटरटेनमेंट ऑफ प्राइस। अगर सेक्शन जानना चाहते हो 9 एंड 10 है, वैसे सेक्शन जरूरी नहीं है, पहले भी मैं बताया था कि सेक्शन एज इट इज थोड़ा बहुत याद है तो ठीक है, एज सच पूरा सेक्शन लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जिसको याद रह सकता है और अच्छा बात है अगर याद करेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस। एसरटेनमेंट का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड, ठीक है। एसरटेनमेंट का मतलब होता है वैल्यू निकालना या डिटरमाइन करना, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर हाउ द प्राइसेस विल बी डिटरमाइंड, कितना कैसे फिक्स होगा प्राइस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लॉ है, बहुत बेसिक सा बात लिखा हुआ है, ठीक है। चलो लिखेंगे इसके अंदर, प्राइस मीन्स द मॉनिटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्राइस जो है, द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी, कैसे कैसे फिक्स हो सकता है, ठीक है। मे बी पॉइंट नंबर वन, फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, और मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनाए
तभी फिक्स कर दिए थे कितना रुपए का, जैसे मैं सामान बेचा, बेचते समय ही फिक्स कर दिया कि 50,000 का ही सामान, तो प्राइस कैसे डिटरमाइन हुआ? बाय दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बी ठीक एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड। इन द कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट नंबर सी, डिटरमाइंड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी। डिटरमाइन इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। तो इसमें कुछ नहीं है, पहला पॉइंट है फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब है कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय फिक्स कर दिया गया था कि प्राइस कैसे कितना रुपए होगा। दूसरा है एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो प्राइस फिक्स नहीं किया गया लेकिन प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा वो तरीका फिक्स कर दिया गया है, द मेथड हैज बिन फिक्स्ड। ठीक है, जैसे कि फिक्स कर दिया गया कि एक वैल्यूअर के पास जाएंगे, वैल्यूअर जितना रुपए बोलेगा उतना रुपए में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बोल दिया गाड़ी बेचूंगा, सामने वाला बोले गाड़ी खरीदूंगा, अब आपस में डिसाइड किए कि मिस्टर ए नाम का एक मैकेनिक है, उसके पास जाएंगे, उसको दिखाएंगे हम दोनों गाड़ी, वो जितना रुपए का होना चाहिए बोलेगा उतना रुपए में अपने कॉन्ट्रैक्ट उतना रुपए मैं दे दूंगा, सामने वाला उतना रुपए रिसीव कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं हुआ लेकिन क्या फिक्स हो गया था, मेथड फिक्स हो गया था कि कैसे प्राइस निकलेगा। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी क्या है, डिटरमाइन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। इसमें क्या है, बाद में फिक्स कर देंगे, जैसे होता है ना कि एक बार हाँ ठीक है मैं बेचूंगा तुम खरीदोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब मैं बोले कितना रुपए लगेगा, भैया देखकर लगा देंगे, देखकर लगा देंगे मतलब क्या है, डिटरमाइन इन द कोर्स ऑफ डीलिंग, बाकी आगे काम करते वक्त उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, तो तीनों हो सकता है प्राइस, या तो स्टार्टिंग से फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या फिर मेथड फिक्स है कैसे निकलेगा प्राइस, या तीसरा कुछ भी फिक्स नहीं है लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वो फिक्स हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये बहुत छोटा सा पॉइंट बाकी है, बस चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पहला पार्ट इसका यूनिट वन, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। यहाँ पे बोला है कि एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन का मतलब है ये वाला जो मैं बता रहा था पॉइंट नंबर बी वाला, कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ये डिसाइड किए कि कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होगा कैसे डिटरमाइन होगा, कोई एक वैल्यूअर है, कोई एक व्यक्ति है, कोई थर्ड पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो जैसे आप ए और बी दो व्यक्ति है, ए एंड बी, ठीक है, अब ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ए बोल दिया कि हाँ गाड़ी बेचेगा, भी बोल दिया गाड़ी खरीदे। ठीक है, अभी लोग आपस में डिसाइड कर लिए और ये बात डिसाइड की कि इसका जो प्राइस है कैसे फिक्स किया जाएगा, मिस्टर सी नाम का एक मैकेनिक है जिसको दोनों जानते हैं, मिस्टर सी के पास जाएंगे और प्राइस फिक्स करेंगे। ठीक है, अब ये लोग दोनों गए प्राइस फिक्स करने मिस्टर सी के पास, और सी
प्राइस नहीं निकाल पाया. द थर्ड पार्टी इज अनेबल टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स. प्राइस नहीं निकाल सी, बोला कि मुझे नहीं पता, पता नहीं चल रहा कितना होना चाहिए इसका रेट. ठीक है, ये हम इसने से मना कर दिया कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं निकालूंगा इसका प्राइस. ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? तो लॉ बोलता है द कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ, अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्योंकि प्राइस से फिक्स नहीं है इसमें, तो बिना प्राइस के तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता. लेकिन अगर गुड्स डिलीवर हो चुका है, बी को सामान मिल चुका है, ठीक है, और उसके बाद बी को सामान मिल गया, ये लोग उस समय डिसाइड किए कि बाद में पैसा निकाल लेंगे, बाद में डिटरमाइन कर लेंगे प्राइस, और बाद में जब सी के पास गए, सी मना कर दिया, सी अनेबल है प्राइस निकालने के लिए, नहीं निकाल पाया प्राइस, अब क्या होगा? क्या मिस्टर भी पैसे ही नहीं देगा, या देना चाहिए पैसा? देना चाहिए. तो लॉ बोल रहा है ही मस्ट पे अ रीजनेबल, जितना ही होना चाहिए उतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ हमेशा इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना? तो किसी का भी फायदा है, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी एक्ट के वजह से. तो इसी हिसाब से लॉ बनाया गया कि क्योंकि बी खरीद लिया है सामान, अब खाली ये बोलकर बी बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि सी निकालने वाला था पैसा, सी तो प्राइस निकाला नहीं, तो मैं पैसा देने के लिए लायबल नहीं हूं. तो लॉ बोल रहा है क्योंकि सामान लिए हो, भले सी पैसा नहीं भी निकाल पाया, देन यू हैव टू पे अ रीजनेबल प्राइस, पैसा देना ही पड़ेगा. क्लियर इतना? चल इतना लिखते हैं, फिर थोड़ा और इसमें समझेंगे. लिखना, वेन देर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, वेन देर इज एन एग्रीमेंट टू सेल and the price is to be fixed, by the valuation of third party. Price is to be fixed by the valuation of a third party and such third party cannot or does not make such valuation. Then the agreement इज वॉइड, तब वो एग्रीमेंट वॉइड होगा. वॉइड मतलब नॉट एनफोर्सेबल. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ. इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, if the goods are delivered to the buyer, then he shall pay a reasonable price. एक रीजनेबल प्राइस देने का जरूरत है. पॉइंट वन कर देना. ठीक है, एक बात, एक छोटा सा पॉइंट और. ठीक है, ऑनलाइन वाले इतना क्लियर है? चिराग, सेजल, उज्जवल, सौम्यजीत,
क्लियर है इतना? क्लियर है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, और ये लोग बोले थे कि सी के पास ले जाएंगे गाड़ी, और सी देखकर बताएगा कि कितना रुपए होना चाहिए, ठीक है। अब इनमें से कोई एक जो है प्रिवेंट किया सी को वैल्यू करने से, रोका, ठीक है। जैसे ए है, ए प्रिवेंट किया सी को फ्रॉम वैल्यूएशन। ए के पास गाड़ी है, ए सी के पास लेके ही नहीं जा रहा गाड़ी, तो जब सी के पास गाड़ी ही नहीं लेके जा रहा तो हाउ विल सी वैल्यू इट, सी वैल्यू नहीं कर पा रहा। तो अब जब सी वैल्यू नहीं कर पाया तो ए बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, खत्म कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे लॉ बोल रहा है कि कोई एक पार्टी किसी को रोकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, मतलब ये थर्ड पार्टी को अगर रोका जाता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, जिसके वजह से थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया, तो अब जिसकी गलती नहीं है, किसकी गलती नहीं है, बी की गलती नहीं है, बी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम मिस्टर, जो भी नुकसान हुआ है मिस्टर ए का, सॉरी मिस्टर बी का, वो पैसा मिस्टर बी क्लेम कर सकता है फ्रॉम मिस्टर ए। हो सकता है बी आगे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसको बेचने का, नहीं कुछ नुकसान हुआ है तभी पैसा मांग सकता है, अगर ऐसे ही कुछ कुछ हुआ ही नहीं बी का, कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, तो बी भी पैसा क्लेम नहीं कर सकता। हाँ तो फिर ले सकता है पैसा, या बी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था आगे बेचने का, अब क्योंकि ए सामान नहीं दिया तो बी आगे नहीं बेच पाया, तो बी का नुकसान हुआ प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट है ए से मांग सकता, ठीक है। ये सब टाइप्स ऑफ डैमेजेस में पढ़े हम लोग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टाइप्स ऑफ डैमेजेस, ठीक है, वो सब वहां पर था ये सब, ठीक है। तो जो पार्टी रोका है और जिसका गलती नहीं है, जिसका गलती नहीं है वो पैसा क्लेम कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, किससे, जो रोका है उससे, ठीक है। लिखना लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी, व्हेन थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग वैल्यूएशन, द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, जिसकी गलती नहीं है, द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम पार्टी इन डिफॉल्ट, जिसकी गलती है उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ यूनिट नंबर 1 सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है इसका यूनिट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, केस स्टडीज बहुत आता है इससे, लिख नहीं रहे अभी, समझा रहा हूँ थोड़ा सा, खाली 2 वर्ड है चैप्टर में पूरा का पूरा, सिर्फ कंडीशंस एंड वारंटी, सिर्फ 2 ही वर्ड है। हम लोग क्या समझते हैं वारंटी का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वारंटीज, काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट या काइंड ऑफ गारंटी कि सामान खराब हो गया तो अपने को रिप्लेस करके देगा या ठीक करके देगा, वारंटी गारंटी ऐसे हम समझते हैं, ठीक है। और कंडीशन का मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस काइंड ऑफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर दोनों का ही मतलब ये नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली अलग है मतलब फ्रॉम द वर्ड कंडीशंस एंड द वर्ड वारंटीज, ठीक है। कंडीशंस का मतलब होता है द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को जिस मेन पर्पस से किया गया है उसको बोलते हैं कंडीशंस,
और वारंटीज का मतलब होता है कॉलेटरल पर्पस, सपोर्टिंग पर्पस। ठीक है, जैसे आज मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उसके पीछे मेरा एक मेन पर्पस है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का, दैट इज नोन एज द कंडीशंस, उसको बोला जाता है कंडीशंस। और मेन पर्पस के साथ साथ कुछ और भी पर्पस है, साइड पर्पस है कुछ, दोज आर नोन एज वारंटीज। ठीक है, तो कंप्लीटली जो हम समझते हैं उसके तो आसपास भी नहीं है ये। ठीक है, कंडीशन मतलब द मेन पर्पस या मेन स्टिपुलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी का मतलब होता है कोलेटरल। कोलेटरल मतलब याद है, सपोर्टिंग, याद ना, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, सपोर्टिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सपोर्टिंग पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आज अपने एक गाड़ी खरीदने गए, ठीक है, एक कार खरीदने गए एक शोरूम में, ठीक है, और अपने शोरूम में गाड़ी दिखाने वाले मैनेजर को बोले कि ऐसा गाड़ी दिखा जिसका एवरेज मिनिमम 20 किलोमीटर लीटर का हो, माइलेज इतना होना चाहिए, अपना बजट इतना, 20 किलोमीटर का लीटर का माइलेज दे, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है तो 20 किलोमीटर लीटर का माइलेज दे, ऐसा गाड़ी दिखा तू। ये मैनेजर दिखाया एक बढ़िया गाड़ी, ठीक है, बढ़िया गाड़ी दिखाया हमको, ठीक है, बोला कि सर ये गाड़ी देखिए इसका माइलेज 20 या 22 आएगा, 22 किलोमीटर चलेगा ये गाड़ी प्रति लीटर। हम खुश हो गए गाड़ी देख के, साथ में हमको बताया कि 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज तो है ही, साथ ही साथ ये गाड़ी का जो स्पीड है ये भी आराम से 120 किलोमीटर टच कर जाता है गाड़ी, या 150 किलोमीटर टच करता, 5 सेकेंड में 150 का स्पीड पकड़ लेगा गाड़ी, ऐसा गाड़ी है। अब हम ये गाड़ी खरीद लिए, ठीक है, हम गाड़ी खरीद के ले आए, इस पे क्या कंडीशंस है और क्या चीज वारंटी है? 22 किलोमीटर प्रति लीटर इज अ कंडीशन, ये मेन पर्पज है कॉन्ट्रैक्ट का, इसी वजह से हम गाड़ी खरीदने गए थे, ये हमारा स्पेसिफिकेशंस था कि ये वाला गाड़ी दिखाना, तो 22 किलोमीटर प्रति लीटर इज अ कंडीशन, वो एक कंडीशन है। और 150 का स्पीड पकड़ेगा गाड़ी, ये एक वारंटी है, दिस इज अ वारंटी। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीज होता है, एक होता है उसका कंडीशन और दूसरा होता है उसका वारंटी। अगर कंडीशंस टूटता है, गाड़ी अगर 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज नहीं दिया, तो हमारे पास पावर है, हम कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकते हैं, हम कैंसिल कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट, हमको नहीं चाहिए गाड़ी, हम वापस कर देंगे, वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन गाड़ी अगर 150 किलोमीटर प्रति लीटर प्रति सेकेंड या 5 सेकेंड में वो स्पीड नहीं पकड़ा, तो वॉइड नहीं कर सकते, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता, ये तुम्हारा मेन पर्पस थोड़ी था, इस वजह से गाड़ी खरीदने थोड़ी गए थे, तो ये वॉइड नहीं हो सकता। हाँ, तुमको कुछ नुकसान हुआ है, यू कैन क्लेम फॉर सर्टेन डैमेजेस, तुम डैमेजेस के लिए क्लेम करो, हाँ, तो एक्स्ट्रा पैसा तुम क्लेम करो, उससे पैसा मांगो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मेन पर्पस सॉल्व है, तुम्हारा मेन पर्पस तो यही था कॉन्ट्रैक्ट। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन होता है और एक वारंटीज होता है, कंडीशन के टूटने से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, लेकिन वारंटीज के टूटने से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। समझ में आ रहा है? क्योंकि कंडीशन आर द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो मेन पर्पज जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, दोज आर नोन एज कंडीशंस, और सपोर्टिंग जो है पर्पज, दोज आर नोन एज वारंटीज। ठीक है, अब ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि माइलेज कंडीशन ही होगा, हो सकता है ऐसा भी ना कि स्पीड इज अ कंडीशन, माइलेज इज अ वारंटी फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए। मैं गाड़ी देखने गया, मैं बोला 150 किलोमीटर 5 सेकेंड में पकड़ेगा, वो गाड़ी दिखा, तो वो स्पीड, मैं स्पीड बताया, तो मेरा पर्पज है स्पीड, तो स्पीड मेरे लिए कंडीशन है, 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दैट इज अ वारंटी, वो सपोर्टिंग है मेरे लिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये कंडीशन होगा या ये वारंटी होगा, डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट,
क्या चीज किस पे कंडीशन होगा और क्या चीज किसका वारंटीज होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर यही है, व्हाट इज कंडीशन, व्हाट इज वारंटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज, और उसके बाद कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस होते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, इम्प्लाइड है, याद है, इम्प्लाइड एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड मतलब जो होना ही चाहिए कंडक्ट या बिहेवियर से जो पता चलता है, और फिर है इम्प्लाइड वारंटी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर, वैसे थोड़ा सा बताया हूँ खाली कंडीशन वारंटी क्या होता है, नया क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर का नाम कंडीशन एंड वारंटीज, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले थैंक यू एंड बाय बाय। Thank you.